हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लाज्मा वेव्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में विद बी नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स एज वी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा कि बी वन ज़ीरो होगा, इट विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया था और वहाँ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट भी किया था कि एक प्लाज्मा वेव का, एक वेव का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक एक्सटर्नल होगा, उसको हम डी सी मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स विद बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स नो डी सी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब केस में जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सो बी वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो एज वेल एज इसका क्लियर ऑब्वियसली ये होगा कि परपेंडिकुलर टू ई वन, जैसा हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो ये ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है। एक इक्वेशन था वो आप देख लेना, आई थिंक वो 28 था, ठीक है। इक्वेशन 28 को देख लेना आप लोग, उसी से निकल के आता है कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। सो वेन एवर यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मस्ट बी अ ट्रांसवर्स वेव। तो अब हमारा ये केस है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ प्लाज्मा। तो हम लिख सकते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ, 40 इक्वेशन लिखा हुआ है। थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई वन इक्वल टू माइनस बी वन डॉट, और 41 में मैंने फोर्थ इक्वेशन लिखा है, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। जैसा आप, एक तो ये वैक्यूम में हम पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या वेलोसिटी होती है, जो आपको पता है सी लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, वो निकालते हैं ज़रा, फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा में। तो इसमें हम क्या कर सकते थे कि वैक्यूम में जे करंट डेंसिटी जे जीरो हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और एज वेल एज वी नो सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सो वी कैन राइट सी स्क्वायर डेल क्रॉस बी वन इक्वल टू ई वन डॉट। ये 41 है, इसी 41 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस डेल ऑपरेटर विच इज़ ग्रेडियंट, आपको पता है। तो डेल क्रॉस ले लेते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो आपके पास आता है सी स्क्वायर डेल क्रॉस बी वन इक्वल टू डेल क्रॉस ई वन डॉट। सो डेल क्रॉस ई वन डॉट को 40 इक्वेशन से लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, माइनस बी वन डबल डॉट, ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट और आ गया, मीन्स एक टाइम डेरिवेटिव और आ गया, सो दिस इज़ 42। अब क्या करते हैं, आपको मालूम है जैसा कि हम कई बार कर चुके हैं, तो वेरिंग ये इक्वेशन क्वांटिटी आएंगी बी वन की और ई वन की इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आप डेल जहाँ पर भी टाइम डेरिवेटिव है टी के रेस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में जब भी आप करेंगे तो आपका एक माइनस आई ओमेगा का एक टर्म आएगा, कोफिशियंट आएगा एक्स्ट्रा, अगेन अदर थिंग रिमेन सेम। और जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आई इंटू के, आई के आता है। तो अब यहाँ पे डेल क्रॉस आप इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले राइट साइड में माइनस बी वन डबल डॉट है, तो माइनस बी वन डबल डॉट को लिख दिया ओमेगा स्क्वायर बी वन, ठीक है। दो बार आ गया माइनस आई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बी वन। और यहाँ पे डेल को आप आई इंटू के लिख सकते हैं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, स्पेस डिफ्रेंशिएशन है, टाइम और स्पेस का है, तो स्पेस में आई इंटू के आ रहा है, तो ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर के क्रॉस बी वन। और आप यू कैन राइट इसको, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी से खोलेंगे तो ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर के डॉट बी वन माइनस के स्क्वायर बी वन, ठीक है। 43 कर दिया इसको इक्वेशन। आफ्टर दिस आपको पता है इस मैं राइट साइड में 43 के डॉट बी वन, ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैक्सवेल इक्वेशन में डेल डॉट बी ज़ीरो है। सो व्हाट रिमेन्स, ओमेगा स्क्वायर बी वन इक्वल टू
प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर बी वन, और यू कैन राइट सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. सो दिस इज़ दी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम. अब प्लाज्मा में क्या है, बी नॉट तो जीरो है अभी, देर इज़ नो एक्सटर्नल डी सी मैग्नेटिक फील्ड. और अब 41 में फिर से हम, बिकॉज वैक्यूम में हमने जे को जीरो लिखा था, तो मैं 40 तो ठीक है 41 को चेंज करूँगा और उसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर डेल क्रॉस बी वन इक्वल टू जे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस ई वन डॉट. ये इसकी करंट डेंसिटी आ गई, ठीक है, बिकॉज बी वन इज नॉट जीरो, नॉन जीरो है तो इसलिए जे वन आएगा. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 44 किया और इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया. सो सी स्क्वायर डेल क्रॉस बी वन डॉट इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी जे वन प्लस ई वन डबल डॉट. तो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया. तो अब इसको क्या से सिंप्लीफाई करना है, बस स्टेप बाय स्टेप यही है. तो ये बनता है डेल क्रॉस ई वन, 40 से 40 को मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस बी वन डॉट. और इस लेफ्ट हैंड साइड को तो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी से फिर से एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनेगा बी ए डॉट सी माइनस ए सी ए डॉट बी. तो ये बनेगा डेल डेल डॉट ई वन माइनस डेल स्क्वायर ई वन इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है डेल क्रॉस बी वन डॉट. इसको 41 से हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 41 नहीं अब तो 45 करेंगे हम इसको, ठीक है, वो तो वैक्यूम के लिए था, यहाँ पे 45 है हमारे पास लेटेस्ट, इससे डेल क्रॉस बी वन डॉट कर लेंगे, इसीलिए हमने टाइम डेरिवेटिव लिया. तो ये बनता है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर डेल जे वन बाई डेल टी प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर ई वन डबल डॉट. इसके बाद इसको फिर से आप डेल को आई के टर्म में लिखेंगे, तो डेल चेंज हो जाएगा के टर्म में, और के डॉट ई वन जीरो है, आपको पता है के इज़ नाउ परपेंडिकुलर टू ई वन, ट्रांसवर्स वेव है. तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचे वो बचा के स्क्वायर ई वन इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर जे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई वन. और आप ई वन वाले टर्म को साथ में ले आए लेफ्ट राइट हैंड साइड से, तो आपका बचता है ईवन ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर जे वन. तो दिस इज़ ओके, ये 47 तक अभी तक हम पहुँचे हैं, इसके बाद 48 आता है हमारे पास, इसमें हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको. तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर ई वन इक्वल टू माइनस आई ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे वन. ये 48 आ गया, ठीक है, सी स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट. तो अब यहाँ पे फिर 48 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट बिफोर दैट अगेन वी कैन राइट जे वन इक्वल टू माइनस एन नॉट ई वी ई वन इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आपको पता है करंट डेंसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट जे को ऐसे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के लिए, बट वी आर एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट एंड मोबाइल एंड एट द सेम टाइम आयन्स आर सो हैवी दैट दे के नॉट मूव, सो दे आर कंसिडर्ड एज फिक्स्ड. तो अभी करंट डेंसिटी इज़ ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. इस जे वन वाले से हम फिर से इसको लीनराइज इक्वेशन का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, एम डेल वी ई वन बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ई ई वन और माइनस आई एम एम ओमेगा वी ई वन इक्वल टू माइनस ई ई वन. वो वी ई वन कैन बी रिटन एज ई ई वन बाई आई ओमेगा. इस वी ई वन को आप रखेंगे यहाँ पे जे वन में, तो जे वन आ जाएगा आपके पास, या आप 48 को लिखते हैं, चलिए वहीं पर जे वन को सब्सिट्यूट करेंगे, वी ई वन को भी सब्सिट्यूट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 48 यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर ई वन इक्वल टू माइनस आई ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर बचा जे वन, इस जे वन को लिखते हैं आप माइनस एन नॉट ई वी ई वन बचता है, बस वी ई वन को अभी अभी लिखा है ई ई वन बाई आई एम ओमेगा. ये टोटल का एक्सप्रेशन आ गया आपका ये वाला.
और आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ई वन, ये बना आपका। इसके बाद इसको आप ईवन, दोनों साइड ईवन है तो आप क्या क्या बना, और जो राइट हैंड साइड में आपके ईवन का आ रहा है कोफिशियंट, दैट इज़ नथिंग बट दी ओमेगा पी स्क्वायर, प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन की है उसी का स्क्वायर बन रहा है। सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आपका टोटल डिस्पर्जन रिलेशन इक्वेशन 49 हमको बताता है डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन प्लाज्मा विद नो डीसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं डिस्कशन। यहाँ पे फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी को देखते हैं, इसमें इस केस में क्या आता है। तो 49 को अगर आप देखें, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो एज वी फाई और द फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो वी फाई स्क्वायर आप देख रहे हैं सी स्क्वायर के साथ कुछ टर्म प्लस में आ रहा है, सो वी कैन राइट दैट वी फाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और वी फाई इज़ ग्रेटर देन सी। फेज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये आपको पहले से भी मालूम है जब भी आपने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फेज वेलोसिटी ग्रुप सी से भी ज़्यादा आती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो फीजिबल है, नॉट पॉसिबल ऑल्सो नॉट फीजिबल, तो फीजिबल यही है कि ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आए और उसी को हम कंसिडर करें, दैट इज़ दी रियल वेव वेलोसिटी। तो आप यहाँ से फेज वेलोसिटी निकालते हैं, अगेन 49 को आप के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2 के, बिकॉज ओमेगा पी तो डिस्पर्जन लेस है, मीन्स डजन डिपेंड ऑन के, तो ये तो ज़ीरो होगा। आपके पास आता है डी ओमेगा बाई डी के और वी जी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी फाई, मीन्स ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फेज वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज वी फाई इज़ ग्रेटर देन सी, तो वी जी जो होगा हमेशा लेस देन सी आएगा आपके पास, तो वी जी इज़ लेस देन सी विच इज़ ओके, मतलब विच डज नॉट कंट्राडिक्ट एनीथिंग। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आ गया। अब आप डिस्पर्जन रिलेशन अगर प्लॉट करते हैं ओमेगा वर्सेस के, आप देखते हैं वही रिलेशन आता है जो पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज आपका अभी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो वैसा ही आएगा ओमेगा वर्सेस के। ओमेगा पी को हम प्लॉट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको प्लॉट करके दिखा सकते हैं कि जो आपकी हायर के पर, एट हाई के आपका ये स्लोप जो है वो लगभग कांस्टेंट होता जाता है, तो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती जाती है। ठीक है, तो डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ प्लाज्मा विद नो डीसी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया प्लॉट। तो ये सी की तरफ अप्रोच कर रही है हाई पे, ये इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं 49 से। ओके, तो अब क्या है, एक चीज़ यहाँ पर आती है, कट ऑफ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में भी करेंगे हम आगे को, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये होता है जब वेन एवर के इज़ ज़ीरो, ठीक है, आपका वेव वेक्टर ज़ीरो हो जाता है के फॉर एनी वेव, सो द वेव कैन नॉट प्रोपेगेट, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ कंडीशन के लिए के ज़ीरो होना चाहिए और ओमेगा मतलब एन एन सी एक डेंसिटी जो होगी उसको हम बोलेंगे एन सी सबस्क्रिप्ट में, दैट इज़ अ क्रिटिकल डेंसिटी फॉर विच ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी। इन 49 में देखिए अगर आप, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी रख दें तो के स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है, तो दिस एन सी कैन बी रिटन एज एम एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये उस इक्वेशन से आ गया। ठीक है, क्योंकि फॉर दिस कंडीशन जब ओमेगा ओमेगा पी के इक्वल है और के ज़ीरो है, तो ओमेगा पी वही इलेक्ट्रॉन का प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी के से ओमेगा को ओमेगा पी के इक्वल रखिए, एन को एन सी लिख दीजिए, तो दिस इज़ दी क्रिटिकल डेंसिटी। इस क्रिटिकल डेंसिटी से ज़्यादा अगर डेंसिटी होगी सो आपका के ज़ीरो हो जाएगा, के सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी के लिए भी, एंड वेव कैन नॉट प्रोपेगेट, तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज कट ऑफ।
आप इस कंडीशन के लिए के आपका इमेजनरी आता है, और एक स्किन डेप्थ को डिफाइन करते हैं हम के इनवर्स सी अपॉन ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये यही था, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आप एक आयन वेव्स वाला देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन वेव्स, जिसमें कि वो निकल के आता है ओमेगा, कौन सा इक्वेशन था, लेट मी सी, आपका ये आता है लोअर, आई थिंक लोअर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी निकल के आता है, उसको देख लीजिएगा।